लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत अब स्मार्ट सिटी बनने के दौड़ में पीछा नहीं है। यहाँ ऐसे कई शहर हैं जिनकी गिनती स्मार्ट शहरों में होती है, लेकिन आज हम आपको भारत के पहले स्मार्ट और ग्रीन हाईवे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस स्मार्ट और ग्रीन हाईवे को ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए बनाया गया है। इस पुल को बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए तक खर्चा किया गया है। दिल्ली में बनाए गए इस ग्रीन हाईवे में 5 लाख टन सीमेंट और 1 लाख टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोजेक्ट को मात्र 5 दिन के रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया गया, जबकि इसके लिए 9-10 दिन का लक्ष्य रखा गया था। फायदा यह होगा कि इस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हाईवे पर से करीब 2 लाख वाहनों को राजधानी दिल्ली से डाइवर्ट किया जाएगा। यह देश का पहला हाईवे होगा जहां 8 सोलर पावर प्लांट होंगे। इन सोलर पावर प्लांट से 4000 किलोवाट बिजली का उत्पादन हो पाएगा। यह देश का पहला पुल होगा जहां वर्टिकल गार्डन होंगे। 135 किमी लंबे सड़क में खूबसूरत लाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 2.5 साइकिल ट्रैक होंगे और 1.5 मीटर का फुटपाथ होगा। इस हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया, होटल, रेस्टोरेंट, दुकान और रिपेयर सर्विस जैसी सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए इसके दोनों तरफ 28 फाउंटेन का उपयोग किया गया है।